रिलीज होने वाली है, आज जो है स्क्रीनिंग रखी गई है, स्पेशल स्क्रीनिंग, नर्वस, एक्साइटेड, क्या क्या फीलिंग है? अब देखिए, एक्साइटेड तो मैं था, और आज सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि दादा का, मुझे जो बप्पी दा का, मैं बहुत ज़्यादा मैं एक्चुअली उनको मिस कर रहा हूँ, और हर पिक्चर में, हर प्रीमियर में मेरे साथ रहते हैं दादा, पर आज नहीं है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा बैड फील कर रहा हूँ कि नहीं है वो मेरे साथ, बट इसके लिए मेरे बहुत सारे यहाँ पर फ्रेंड्स आए हुए हैं, और मैं चाहता हूँ कि मतलब ये फिल्म देखें, क्योंकि दादा की जो बप्पी दा की आखिरी फिल्म थी ये, प्यार में थोड़ा ट्विस्ट, और उन्होंने ये इसमें एक गाना भी गाया है, सेलेक्ट और रिजेक्ट वाला, और दादा का ये कहना था कि ये फिल्म मेरे बहुत दिल के करीब है, और जो ये गाना जो मैंने गाया है और जो कंपोज़ किया है, ये गाना बहुत अच्छा है, और फाइनली ये पिक्चर वो चाहते थे कि ये रिलीज़ हो और लोग इस पिक्चर को देखें, पर दादा के आशीर्वाद से ये पिक्चर आज रिलीज़ हो रही है, तो उन्हीं का ही आशीर्वाद है, और ये सारे फ्रेंड्स आए हुए हैं और आज ये पिक्चर देखने। ट्रेलर काफ़ी कमाल का लग रहा है, किस तरह का रिस्पांस आप देख रहे हो ये ट्रेलर का? देखिए, आज की डेट में जो ट्रेलर है प्यार में थोड़ा ट्विस्ट का, वो 35 मिलियन क्रॉस कर दिया, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, और मुझे लगता है कि आगे भी लोगों को और पसंद आएगा। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में और कितने एक्साइटेड हैं फिल्म देखने के लिए? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, ये दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मेरी बेस्ट विशेज इनके साथ हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि बप्पी दा आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी ब्लेसिंग्स इस फिल्म के साथ हम सबके साथ हैं, और जैसा कि आपने बताया कि उनका आखिरी गाना फिल्म में है, तो डेफिनेटली इट्स समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, the film, for the acting, for the music, and I have seen the trailer and I'm really excited because the trailer was amazing. And what is the one thing you like the most about the trailer? Inki acting, और I really liked जो उसमें comical parts हैं. मैं बहुत excited हूँ देखने के लिए कि आखिर है क्या, क्या story है, मुझे बहुत मज़ा आने वाला है. मंजू जी, एज अ प्रोड्यूसर क्या कहना चाहेंगे, बबल्स है या फिर क्या, कितनी नर्वसनेस है? और पप्पी दा आज हमारे बीच में नहीं रहे, एक गाना भी है उन्होंने कंपोज भी किया है गानों को, क्या कहना चाहेंगे, कितना मिस कर रहे हैं और फिल्म को लेकर कितनी नर्वसनेस है? सो एज यू नो ऑल ऑफ यू कि ये एक ट्रिब्यूट है दादा के लिए, और उसी के लिए हम सब यहाँ आए हैं, और स्पेशल स्क्रीनिंग दादा की, दादा को हम एक कभी भूल नहीं सकते हैं, और उनको हमेशा अपने दिल में, हमारी मेमोरीज़ में और हमारे लाइफ में, जब तक हम जिएंगे दादा हमारे साथ रहेंगे, सो वी आर मिसिंग हिम सो मच, बट उनकी ब्लेसिंग्स हैं, और फिल्म बहुत अच्छी बनी है, और जैसा कि दादा ने बहुत सारे पार्ट्स में फिल्म को देखा है, बट उनकी विश थी कि वो फिल्म को थिएटर में देखें, तो उनकी विश को ही हम पूरी कर रहे हैं आज, और इसीलिए ये स्पेशल स्क्रीनिंग रखी है उनकी याद में, और फिल्म, ये दादा की आखिरी फिल्म, लास्ट फिल्म है, और उन्होंने एक गाना भी गाया है जो कि बहुत ही मेलोडियस सॉन्ग है, बहुत ही डांसिंग नंबर टाइप का सॉन्ग है, जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने अपने इंस्टा पे रील्स बना बना के पोस्ट किया है, सो इट्स डेफिनेटली रिमार्केबल प्रोजेक्ट फॉर अस, क्योंकि ये दादा का आखिरी प्रोजेक्ट तो था ही, बट हमारे दिल के बहुत करीब रहेगा ये प्रोजेक्ट, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली 2 दिन पहले हमने दादा को खोया है, सो एक पेन तो है दिल में डेफिनेटली, एंड वी आर फुल ऑफ पेन बिकॉज वी ऑलवेज लव हिम, एंड वी नेवर, कभी हम नहीं भूल सकते उनकी यादों को, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत कुछ याद करने के लिए, बहुत कुछ हमारे साथ छोड़ा है, और एक पेरेंट्स की तरह, एक मेंटर की तरह हमेशा मुझे बहुत सारा गाइड किया, हर चीज़ में उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की कि मैं अच्छा काम करूं, मेहनत करूं, और हमेशा मुझे इंस्पायर किया कि मैं मेहनत के साथ आगे बढ़ूं, तो बस यही है, ये मेहनत की है इस प्रोजेक्ट में, एंड मेरी ये विश थी कि ये फिल्म दादा देखें और दादा के साथ हम इसकी स्क्रीनिंग करें, बट डेफिनेटली ऐसा सोचा नहीं था कभी कि ऐसा हो जाएगा, हमें पता था कि दादा की तबीयत ख़राब है, दादा बहुत दिनों से बीमार चल रहे थे, बट ऐसा लगता था कि नहीं, दादा ठीक हो जाएंगे, एंड वो फिर से क्योंकि हमने एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया था दादा के साथ, एक अधूरा संगीत जो दादा उसको डायरेक्ट करना चाह रहे थे, तो मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट थी, और मुझे लगता नहीं है कि मैंने बहुत
जैसे कि 9-10 साल से ही मैं दादा के साथ थी, तो मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि मैं इतनी कम टाइम से दादा के साथ में हूँ। तो बहुत ही लंबा एसोसिएशन लगता था और उनका गाइडेंस डेफिनेटली मुझे लाइफ में आगे काम आएगा। सो बस मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि बस आप सबका थैंक यू कि इतनी मेमोरेबल इवनिंग में आप सब आए हैं, और डेफिनेटली दादा की बहुत सारी यादें आप सबके भी साथ होंगी। मैम आप क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? हमने बहुत मेहनत की है इस फिल्म के लिए शुरू से ही, और बहुत मेरे मंजू जी के घर पे बहुत सारे चक्कर लगे हैं इस फिल्म को लेकर के, और अभी हम प्रमोशन के लिए गए थे अयोध्या और लखनऊ भी, और उसी दौरान हमें खबर मिली दादा के बारे में। तो मंजू जी जो है वो बहुत कनेक्टेड थी दादा से, तो बहुत इमोशनल हो गए, इनको बड़ी मुश्किल से हमने संभाला, और ये चाह भी नहीं रहे थे कि अभी फ़िल्म को रिलीज़ करें, लेकिन फिर इन्होंने कहा कि नहीं ये दादा की आखिरी फ़िल्म है और दादा चाहते थे इसको रिलीज़ करना जल्दी, तो उनका सपना हम पूरा करेंगे। तो इन्होंने आज रिलीज़ किया है दादा के लिए, हमने बहुत मेहनत करी, बहुत कॉमेडी फिल्म है, आप सब जब देखेंगे आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, पूरी मूवी कॉमेडी से भरी हुई है। पिक्चर तो बहुत अच्छी लगी थी, प्यार में थोड़ा टेस्ट, मतलब पिक्चर देखने के जो मज़ा है थिएटर में बहुत अच्छा लगा था, एक्शन भी बहुत अच्छा था, कॉमेडी भी थी, और एक्टर का काम कैसा लगा? एक्टर काम बहुत एक्शन एक्टर बहुत अच्छा था, एक्टर का एक्शन भी बहुत मज़ेदार था, और जो भी पिक्चर था बहुत मस्त थे। गाना कैसा लगा? गाना तो बिल्कुल बहुत मस्त गाना था, एकदम मज़ेदार गाना था। देख पूरा 5-5 स्टार में था, थैंक यू। कैसे लगी आपको फिल्म? बढ़िया है, सब्जेक्ट अच्छा है, और अभी के दौर में ऐसी फिल्म आनी चाहिए क्योंकि इस तरह की फिल्में अभी कम बनती है, और कहानी अच्छा है, स्पेशली इसके डायलॉग जो है ना और स्क्रीन प्ले बहुत अच्छे लिखे गए हैं, कि एक से, चूँकि मैं भी फिल्म से हूँ मुझे थोड़ा बहुत अंदाज़ा है, तो एक सीन दूसरे से मैच करता है, और डायलॉग जिसने भी लिखा है जो राइटर बड़े अच्छे हैं, तो आई थिंक अभिषेक ने लिखा है, कुछ बताया मुझे तो अच्छा लिखा है, और सब अच्छे एक्टर लोग भी अच्छे हैं, म्यूज़िक अच्छा है, बपीदा का म्यूज़िक है तो एवर ग्रीन है वो, तो मैं तो खुद ही उनका फ़ैन, कई बार मिला भी हूँ, हम लोग साथ में काम भी किए हैं, तो बेहतरीन म्यूज़िक डायरेक्टर, उनके बारे में तो कुछ कहना ही नहीं। 5 में से कितना स्टार? 5 में से ये 4.25 स्टार, और एक्टर नए हैं लेकिन सब ने काम, थोड़ा सा डबिंग में थोड़ा सा ये चीज़ें हैं, जिस हिसाब से स्क्रिप्ट है ना उस हिसाब से डायरेक्शन बड़ा अच्छा है, डायरेक्शन जो है कि बहुत दिनों के बाद इस तरह की फिल्में, अभी की जो फिल्म है वो पूरा टेक्निक्स के ऊपर है, ये फिल्म जो है ना शॉट बाय शॉट है, इनमें डायरेक्टर का काम दिखता है, इसमें चीज़ें हैं वो दिखता है, टेक्निक उतना यूज़ करके वो नहीं, इसमें स्क्रिप्ट के ऊपर है, स्क्रिप्ट बड़ा अच्छा है, स्क्रिप्ट के ऊपर है, इसमें डायलॉग एक एक पंच आपको बहुत हंसी आएगा, और आज के दौर में ऐसी फिल्म चलनी चाहिए तो बहुत रिलैक्स मिलेगा और वो लोगों को अच्छा लगेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। मुझे तो अच्छी लग रही है फिल्म, अच्छी लगी, मुकेश भारती का काम अच्छा है, एक्ट्रेस बहुत अच्छी लग रही है, ऋचा मुखर्जी जो है अच्छा काम भी किया है उन्होंने, बहुत खूबसूरत नज़र आ रही है। स्टोरी लाइन वाइज कैसी है, कितनी पसंद आएगी लोगों को? हाँ नहीं, लोगों को जुड़ेगी, यूपी की कहानी है और वहीं पे बेस्ड भी है, शूटिंग भी वहीं पे हुई है, लोग कनेक्ट करेंगे इससे, म्यूज़िक बपीदा का बहुत अच्छा है, गाने अच्छे हैं इसके। 5 में से कितना स्टार देना चाहेंगे? 5 में से 3 स्टार देना चाहेंगे। थैंक यू। प्यार में थोड़ा ट्विस्ट, बहुत अच्छी मूवी है और गाने भी बहुत अच्छे हैं, और आप लोगों को देखोगे तो मतलब अच्छा लगेगा आप लोगों को, और कॉमेडी भी अच्छी है, सब कुछ है, फन है, बहुत अच्छा है, और एक्टर्स का भी अच्छा है, मतलब सब कुछ अच्छा है, ओके सब कुछ, मुझे तो बहुत अच्छी लगी मूवी, बाकी बेस्ट ऑफ लक, गाने बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी आएगी मूवी और हिट जाएगी। थैंक यू। 5 में से कितना स्टार देंगे? 5 में से मैं उसको 4 स्टार देना चाहूँगा।